कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं से आप पीड़ित हों तो आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहें। जैसा कि दोस्तों, कब्ज एसिडिटी एक ऐसी परेशानियाँ हैं जिससे आपको भूख नहीं लगने देती, आपका शरीर भी बिल्डअप नहीं होने देती। जिस प्रकार से कुछ भी खाया पिया जाता जब शरीर में पचता नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें भूख भी नहीं लगता, जिसके कारण हमारी शरीर दुबली पतली होती चली जाती। इसी पर्पस में हम बात करने चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी शरीर मोटी नहीं हो रही, तो ऐसा क्या समस्या होता है? पहला समस्या यही देखने को मिलता है, जब भी आपके शरीर में भोजन पचेगा नहीं, आप कुछ भी खाते पीते अगर अच्छी तरीके से पचता नहीं, तो आपके शरीर में उसका निचोड़ नहीं मिलेगा, उसका मात्रा नहीं मिलेगा, जिसके कारण से आपका शरीर मोटा नहीं होगा। जब कुछ लंबे समय तक यह पाचन क्रिया की समस्याएं चलती रहती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में धीरे धीरे कर शरीर आपका दुबला पतला होता चला जाता है, आप कई परेशानियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी आपका शरीर नहीं बन रहा हो, अगर आपको भोजन खाने का मन नहीं बन रहा हो, ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखना चाहिए क्या कमी हमारे शरीर में देखने को मिल रही है। ऐसे ही सिचुएशन की दवाइयां करानी चाहिए जिससे आप हेल्थफुल रहें और आपका शरीर भी बन सके। इस वीडियो में जो इस सिरप के बारे में बात कर रहे हैं, अगर पाचन शक्ति आपकी सही नहीं है, कुछ खाते पीते हैं हजम नहीं होता, ऐसे सिचुएशन में इस सिरप के सेवन से आपका पाचन शक्ति भी मजबूत हो जाएगा, गैस, एसिडिटी, बदहजमी जैसी तमाम समस्याओं से छुटकारा भी पा जाएंगे, जिसके कारण से आपके शरीर पे अच्छी तरीके से भूख भी लगेगा और अच्छी तरीके से भोजन करने का मन भी बनेगा। इसलिए हम बताना चाहते हैं, इस सिरप को ले सकते हैं, जो पाचन सिरप के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलग अलग डोजेस होते हैं, बच्चों के लिए अलग डोज होते हैं, बूढ़ों बुजुर्ग के लिए अलग डोज देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अच्छे डोज से पीना है जिससे आपके शरीर पर अच्छा इफेक्ट देखने को मिले और लंबे समय के बजाय आपको कम समय के अंदर आपके शरीर पे गैस, एसिडिटी की समस्याएं, अपच की समस्याएं दूर हो जाएं और आपका शरीर पुनः हेल्थफुल होने लगे। जब भी हेल्थफुल हो जाता है या गैस, एसिडिटी की समस्या आपके शरीर से खत्म हो जाती हैं, ऐसे सिचुएशन में सिरप को छोड़ देना चाहिए। इस सिरप के डोज के बारे में जो बात कर रहे हैं, सुबह शाम कर 10-10 ईमेल लेना चाहिए, यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। भोजन करने के बाद इसका सिरप बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर बच्चों के शरीर में ऐसी समस्या देखने को मिल रही, बच्चे भी दुबले पतले हैं, तो उनको 2-3 ईमेल कर पिलाना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि किसी को ज़्यादा डोज देने से कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। आपको एक अच्छे लिमिट से ही डोज देना चाहिए जिससे आपके शरीर पर अच्छा इफेक्ट ही देखने को मिले, साइड इफ़ेक्ट ना देखने को मिले। सो दोस्तों, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आने वाली कल में आपको अच्छी वीडियो की जानकारी मिलती है।